हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरे स्टडीज। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एसे ऑन टेलीविजन इन इंग्लिश। टेलीविजन यानी टीवी, ये एक ऐसा उपकरण है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम सभी के घर में मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। और हम जैसे ही कोई भी काम से फ्री होते हैं, हम टीवी लगाकर बैठ जाते हैं। टीवी हम सभी का फेवरेट फेवरेट उपकरण है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। और बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई टीवी का दीवाना होता है हम सभी के घरों में। सो दोस्तों, मैं आज सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे ऑन टेलीविजन। टेलीविजन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी इसमें। और वर्ल्ड टेलीविजन डे आने वाला है दोस्तों, इसी के आने की खुशी में मैं आज आप सभी के साथ टेलीविजन पर ये ऐसे शेयर कर रही हूँ। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ऐसे ऑन टेलीविजन इन इंग्लिश, और इसे मैं आप सभी के साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, वह सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। टीवी यानी टेलीविजन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है जो कि हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी मनोरंजन के लिए यूज करते हैं पूरी दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज बिकम क्वाइट कॉमन नाउ डेज एंड ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैज वन टेलीविजन सेट एट देयर प्लेसेस। हर इस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है आजकल टीवी, हर एक घर में एक टीवी तो होना कॉमन ही है, बट कुछ घरों में एक से ज्यादा भी टीवी पाए जाते हैं। कुछ लोग अपने घर में हर रूम में भी, एक एक रूम में या बेडरूम में या हॉल में भी किचन टीवी लगा कर रखते हैं। सो हर एक घर में एटलीस्ट एक टेलीविजन होना तो तय ही है। द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन गेव अस वेरियस बेनिफिट्स। जो टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ, उससे हम सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। इट वॉज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द कॉमन मैन विद अ चीप मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। ये कैसे एक बहुत ज्यादा सबसे सस्ता इंटरटेनमेंट का साधन है। एक टीवी ला सकते हैं आप और वो बहुत सालों तक चल जाती है, 10-15 साल तो एक टीवी डेफिनेटली चलती है। कुछ कुछ घरों में तो 25-25 साल से भी टीवी जो है पुराने वो चलते आ रहे हैं आज भी। सस्ता भी है और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा सुंदर टिकाऊ, सस्ता सुंदर टिकाऊ जो कहते हैं ना, वो कहते हैं टीवी को। बहुत ज़्यादा अपने को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मनोरंजन मिल रहा है, हर तरह के टीवी शोज आने लग गए हैं आजकल। क्राइम शो देखना चाहे तो क्राइम शो है अवेलेबल, अगर आप कोई कार्टून देखना चाहे तो कार्टून अवेलेबल है, हर तरह की मूवीज है, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, जो भी आप देखना चाहे वो सभी आप देख सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल से टीवी कनेक्ट करने का भी आ गया है कि आप नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें भी टीवी पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एज दे आर वेरी अफोर्डेबल, एवरी वन कैन नाउ ओन टेलीविजन एंड एक्सेस द इंटरटेनमेंट। बहुत ज़्यादा क्योंकि ये अफोर्डेबल है, यानी कि बहुत कम सस्ते रेटों में मिल जाती है, तो इसलिए कोई भी आजकल हर कोई टेलीविजन अफोर्ड कर सकता है, यानी ले सकता है और आराम से इंटरटेनमेंट को एक्सेस कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छी से अच्छी चीजें। टेलीविजन ऑल्सो ऑफर्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट एनहेंस अवर नॉलेज अबाउट साइंस एंड वाइल्ड लाइफ एंड मोर। कुछ चैनल्स ऐसे आते हैं टेलीविजन पे जिस पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, तो इससे हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स आजकल बहुत सारे, कोई अगर नीट देना चाहे तो नीट के लिए भी टेलीविजन पर चैनल अवेलेबल है। तो इससे आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, साथ साथ आप एजुकेट भी हो रहे हैं, आपको नॉलेज भी मिल रही है। सो मतलब एक छोटे सी टीवी में आपको सारे वर्ल्ड वाइड की चीजें आप देख सकते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा काइंड ऑफ थिंग। इट इज वेरी यूजफुल टू फॉर फार्मर्स, देयर आर स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर देम। जो फार्मर्स के लिए भी मतलब ऐसे चैनल्स भी अवेलेबल है टीवी पर जिसमें आप खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं, कौन सी फसल कब बोई जानी चाहिए, कौन सी फसल के लिए क्या कौन सा कीटनाशक ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम्स टीवी पर चैनल्स अवेलेबल है जिस पर ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। अब जो चाहे वो आपको टीवी पे देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई धार्मिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो वो भी धार्मिक चैनल भी अवेलेबल है। दे कैन नाउ अबाउट द लास्ट लेटेस्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड लेटेस्ट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो भी संशोधन होते हैं, यानी कि जो भी उपकरण बनाए जाते हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों द्वारा, तो वो सभी टीवी पर वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको दिखा देते हैं। और जो चैनल्स खेती किसानी यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, वह सभी अलग अलग लेटेस्ट वेराइटी ऑफ सीड्स की, मतलब आधुनिक जो भी सीड्स बनाए गए हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं, उनके बारे में जानकारी टीवी पर वो देते हैं। वॉचिंग टीवी मेक्स चिल्ड्रन अवेयर ऑफ सोसाइटी दे लिव इन। टेलीविजन इज समथिंग हार्मफुल टू। टीवी पर देखना बच्चों के लिए
बताता है बच्चों को कि वो किस तरीके की सोसाइटी में रह रहा है, किस तरीके से उनको रहना चाहिए। बच्चे भी टीवी देखते हैं, उसमें कई बार कार्टून भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए भी अवेलेबल है वह सभी भी बच्चे देखते हैं। टेलीविज़न के कुछ कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। हर चीज़ अच्छाई के साथ साथ बुराई भी लाती है, लेकिन कब, जब वो चीज़ एक्सेस में यूज़ हो रही हो तब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा करेंगे तो वो सिर्फ बुरी ही है। इट विल अफेक्ट अवर आई साइट। टू मच बिजी इन सीइंग प्रोग्राम्स विल हिंडर अवर स्टडीज़। टीवी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दिन भर टीवी के सामने ही बैठे रहेंगे, अगर आप कोई भी चीज़ एट अ टाइम देखें, हर चीज़ का एक वक्त रहे, तो आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको गलत वे में, मतलब पूरे दिन भर देख रहे हैं, तो आपकी आई साइट ख़राब होगी। बहुत सारे टीवी देखने से आप, मतलब दिन भर अगर आप टीवी प्रोग्राम ही देखें तो आप पढ़ाई कब करेंगे, तो आपके स्टडीज़ पे भी इसका इफेक्ट होगा। मैनी अ टाइम वॉयलेंस इन शो इज शो इन टीवी शोज, इट कैन अफेक्ट द यंग माइंड ऑफ चिल्ड्रन। कुछ बार क्या होता है, जैसे कोई क्राइम शोज देख रहा है, कोई बड़े भाई को क्राइम शो पसंद है, छोटा भाई छोटा है, लेकिन वो क्राइम शो देख के वॉयलेंस सीख रहा है, सो इससे आपके छोटे छोटे भाई बहनों के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ गलत तो नहीं देख रहे। टेलीविजन इज सो यूजफुल टू द मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, बट इट शुड बी यूज इन अ प्रॉपर मैनर। टेलीविजन बहुत अच्छा यूजफुल एक संशोधन है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, लेकिन तब जब आप इसका एक प्रॉपर मैनर में इस्तेमाल करें। सो हम सभी लोगों को टेलीविज़न और मोबाइल हो, टेलीविज़न हो या कोई भी उपकरण हो, इसका इस्तेमाल एकदम सही तरीके से करना चाहिए, तो वो हमें ढेर सारे फायदे देगा। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नॉलेज की चीज़ है, कोई बुराई चीज़ नहीं है, इसे शेयर करेंगे तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, और आप जिससे जिस चाहते हैं उसे भी आप ये बेनिफिट दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।